हेलो दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी होंगी और हमारे चैनल पर भी आपने बहुत सारे हॉरर रिलेटेड वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज का ये वीडियो अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन हॉरर मूवीज के सबसे डरावने भूतों के बारे में। डरावने यानी इतने डरावने भूत जो आपकी रातों की नींद उड़ा दें। तो चलिए काउंट करते हैं टॉप 7 स्केरियस्ट हॉरर मूवीज गोस्ट ऑफ इंडियन मूवीज। नंबर 7 पर है रागिनी एमएमएस की चुड़ैल। अब इसका कोई नाम नहीं है इसलिए हम यहाँ इसे चुड़ैल कहेंगे। ये फिल्म शुरू होती है रागिनी और उदय के साथ, जो किसी जंगल में एक वीरान घर में जाते हैं, जहाँ उदय रागिनी का एमएमएस बनाना चाहता है। लेकिन जल्द ही उन दोनों को पता चलता है कि इस घर में एक इविल स्पिरिट है जो उन दोनों को मारना चाहती है, और वो और कोई नहीं, यही चुड़ैल है। अगर हम बात करें इस चुड़ैल के ओरिजिन के बारे में, तो इस चुड़ैल की कहानी इंस्पायर्ड है ला यरोना अर्बन लेजेंड से। अगर आपने कर्स ऑफ ला यरोना ये फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि ला यरोना एक औरत है जो अपने बच्चों को गुस्से में आकर मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है। और इस फिल्म की चुड़ैल की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है, जहाँ ये चुड़ैल कहती है कि उसने अपने बच्चों को नहीं मारा और ये घर उसका है और वो इन दोनों को इस घर से बाहर जाने नहीं देगी। इस चुड़ैल की सुपरनेचुरल पावर्स भी काफी खतरनाक है, जिससे कि वो किसी के भी शरीर को पजेस करके उसे मार सकती है या बिना शरीर को पजेस करते हुए भी वो किसी को मार सकती है। नंबर 6 पर है 1920 की इवल एंटिटी मोहन कांत की इवल स्पिरिट, जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर है लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की मदद करता है। और ये बात गायत्री को पता चलती है और वो उसके पापा की मदद से उसे किसी तरह फंसाकर मार देती है। तभी से उसकी इवल स्पिरिट गायत्री की हवेली में भटकती रहती है। फिर 1920 में लीसा और अर्जुन उसी हवेली में रहने आते हैं और मोहन कांत की इवल स्पिरिट लीसा को परेशान करना शुरू करती है, क्योंकि लीसा और कोई नहीं बल्कि गायत्री का पुनर्जन्म लेकर उसी हवेली में वापस आई है। फिर वो इवल स्पिरिट लीसा की बॉडी को पूरी तरह से पजेस कर लेती है। मोहन कांत की इवल स्पिरिट की बात करें तो अगर ये स्पिरिट किसी बॉडी को पजेस ना करे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी की बॉडी को पजेस कर ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और इस स्पिरिट को हर किसी के नाम और उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी होती है, और ये स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो फादर थॉमस को भी मार देती है। नंबर 5 पर है रात मूवी की इविल स्पिरिट। ये फिल्म शुरू होती है मिनी शर्मा के साथ, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसकी पूरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो घर हॉन्टेड होता है। फिर एक दिन मिनी के छोटे भाई को घर के बेसमेंट में एक बिल्ली मिलती है जिसकी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और एक दिन वो बिल्ली मिस्टर शर्मा की गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है। फिर मिस्टर शर्मा उस बिल्ली को अपने घर के पीछे गाड़ देते हैं। फिर मिनी अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ कहीं घूमने जाती है, लेकिन अचानक दीपक की बाइक खराब हो जाती है और मिनी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है और उसकी आंखें हमें उसी बिल्ली की तरह नजर आती है, और वो दीपक को तालाब में ढकेल देती है। फिर मिनी के माँ बाप को लगता है कि मिनी को उसी बिल्ली ने पजेस कर लिया है, और वो दोनों एक डॉक्टर और एक तांत्रिक बाबा शारजी की मदद लेते हैं। शारजी बाबा उनको बताते हैं कि मिनी को किसी बिल्ली ने पजेस नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है, उनके घर के प्रीवियस ओनर के रखेल ने, जिसे घर का ओनर बुरी तरह से मारकर घर के बेसमेंट में गाड़ देता है। फिर उस रखेल की स्पिरिट जिसने मिनी को पजेस किया है घर के प्रीवियस ओनर को मार देती है। फिर शारजी बाबा अपने तंत्र मंत्र की ताकत से उस स्पिरिट को मिनी के शरीर से निकाल देते हैं। उस रखेल की स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो मिनी की फ्रेंड रश्मि की गर्दन घुमाकर हत्या कर देती है और घर के प्रीवियस ओनर को भी उसी तरह मार देती है। ये फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी है और इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। नंबर 4 पर है प्रोफेसर अय्यर फ्रॉम हॉन्टेड 3D। ये फिल्म एक टिपिकल रिवेंज हॉरर मूवी है, लेकिन इस फिल्म का टाइम ट्रेवल एलिमेंट इस फिल्म को स्पेशल बनाता है। ये फिल्म शुरू होती है रेहान के साथ, जो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है जो एक मैंशन में रहने आता है, जहां मीरा की स्पिरिट उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अय्यर की स्पिरिट उसे ऐसा करने नहीं देती। लेकिन किसी तरह रेहान मीरा की बात सुन पाता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो किसी तरह टाइम में पीछे ट्रेवल कर पाता है, जहां वो मीरा से मिलता है और प्रोफेसर अय्यर से भी मिलता है, जो एक अय्याश वुमनाइजर आदमी है जो मीरा का रेप करने की कोशिश करता है, पर मीरा उसे मार देती है, जिससे अय्यर का खून उसके लॉकेट पर लग जाता है और अय्यर की इवल स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाती है। अब रेहान को अय्यर से मीरा को बचाना है। अय्यर की इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये स्पिरिट बिना किसी को पजेस करते हुए भी किसी को भी मार सकती है, और रेहान को ये बात ध्यान में रखनी है कि वो टाइम में पीछे ट्रेवल करके आया है एक वर्चुअल दुनिया में, जहां उसे मीरा के साथ अपने आप को भी बचाना है। नंबर 3 पर है जास्मिन या नकीता वीराना मूवी से, डायरेक्टेड बाय रामसे ब्रदर्स। ये फिल्म रामसे ब्रदर्स की बेस्ट हॉरर मूवी है। ये फिल्म शुरू होती है एक वीरान जंगल की गुफा में, जहां नकीता नाम की एक चुड़ैल रहती है जो दूसरे लोगों के खून और मांस से जिंदा रहती है। वो ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी जास्मिन को पजेस कर लेती है और उसके चाचा को अपना बंदी बना लेती है, और एक बाबा जास्मिन को उसके घर में छोड़ देता है, जिसे पूरी तरह से नकीता ने पजेस कर लिया है। और जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वो दूसरे लोगों को सीड्यूस करके उनको मार देती है, और जास्मिन
बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से वो किसी को भी फंसा सकती थी, लेकिन हेमंत, साहिला और हिचकॉक को ये बात पता चलती है और वो जास्मिन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो निकिता चुड़ैल को हमेशा के लिए मारकर जास्मिन के चाचा समीर प्रताप को बचा लेते हैं। नंबर 2 पर है माया फ्रॉम हॉरर स्टोरी। ये फिल्म शुरू होती है 7 दोस्तों के साथ जो एक पब में मिलते हैं और उन्हें एक वीरान होटल के बारे में पता चलता है जो पहले एक मेंटल असाइलम था और वो होटल हॉन्टेड है। ये बात इन 7 दोस्तों में से सैम और मैगी नहीं मानते हैं और वो सबसे कहते हैं कि हमें एक बार चलकर देखना चाहिए और वो सभी रात को उस होटल में जाते हैं। होटल में जाते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक इविल स्पिरिट है और वो उन सबको मारना चाहती है और एक एक करके वो उन सबको मारना शुरू करती है। फिर बचे हुए ग्रुप को पता चलता है कि ये हॉस्पिटल पहले एक मेंटल असाइलम था और वो इविल स्पिरिट माया की है जो एक पजेस्ड लड़की थी जो अपनी पूरी फैमिली को मार देती है और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हॉस्पिटल में उसे बहुत सारे शॉक्स देते हैं लेकिन वो पूरे हॉस्पिटल को आग लगा देती है जिसमें सब लोग मर जाते हैं। माया की इविल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। वो किसी का भी रूप लेकर किसी को भी फंसाकर मार सकती है और बचे हुए दोस्तों को पता चलता है कि उसकी सभी पावर्स उस शॉक मशीन में है और अगर उन्होंने उस मशीन को जला दिया तो माया की इविल स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। और अब बात करते हैं नंबर 1 गोस्ट की, जिसे हम एक डीमन गॉड भी कह सकते हैं और वो है हस्तर, मूवी तुम्बाड़, पूर्ति की देवी जिसने सभी देवताओं को जन्म दिया लेकिन उसकी सबसे प्यारी संतान थी हस्तर। लेकिन हस्तर बहुत ही ज्यादा लालची था जिसे देवी का पूरा अनाज और सोना हासिल करना था। सोना तो उसने मनमानी से हासिल कर लिया लेकिन जब वो अनाज की तरफ बढ़ा तो सभी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब हस्तर तिनकों में बिखरने लगा तब देवी ने उसकी मदद की लेकिन बाकी देवताओं ने हस्तर को श्राप दिया कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। तब से हस्तर देवी के कोख में है। लेकिन कलयुग में तुम्बाड़ गांव के लोग हस्तर को पूजना शुरू करते हैं। तब से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बरस रहा है क्योंकि हस्तर का श्राप गांव वालों के लिए वरदान था। इस फिल्म की स्टोरी वर्ड्स में बताना इस फिल्म की इंसल्ट होगी। आप इस फिल्म को देखकर ही पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, पर मैं हस्तर के बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ। जैसे कि वो देवी के कोख में रहता है, उसके पास बहुत सारा सोना है लेकिन वो अनाज का भूखा भी है और वो अनाज से डरता भी है। और सिर्फ एक हस्तर नहीं है, और हस्तर के पास एक वरदान या शराब भी है कि अगर उसने किसी को काट लिया तो वो इंसान कभी नहीं मरेगा। नो डाउट हस्तर अभी तक का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज्यादा खतरनाक गोस्ट, ईवल या डीमन है। और आप तुम्बाड़ मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, आपको ये लिस्ट कैसी लगी और क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैनियक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।